लीजिए आपकी कॉफी। शुक्रिया। नसरीन जी, उमेर से बात की है फातिमा के बारे में? नहीं, अभी मैंने बात तो नहीं की। सोच रही हूँ कि उसकी सालगिरह आ रही है, उस पे सरप्राइज दे दूँ। सरप्राइज? ये क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम? अरे आप जानते तो हैं, उमेर को सरप्राइज कितने अच्छे लगते हैं। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। नसरीन, ये कोई आम बात नहीं है। पहले तुम अपने बेटे से पूछो, उसे फातिमा पसंद है या नहीं। अरे भाई, मैं अच्छी तरह जानती हूँ फातिमा को पसंद करता है उमेर। मैंने खुद उसकी नजरों में फातिमा के लिए पसंदीदगी देखी है। बस मैं इसीलिए सोच रही हूँ कि सालगिरह के दिन उसे सरप्राइज दूंगी, और आप देखिएगा कितना खुश होगा वो। पता नहीं क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ। अरे मंसूर, मैं माँ हूँ उसकी, आपसे कहीं ज्यादा बेहतर समझती हूँ उसे। बस आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फातिमा बीबी, छोटे साहब कहाँ हैं? बड़े साहब बुला रहे हैं। बाबा, वो तो अपने कमरे में होंगे। अच्छा, तुम जाओ, मैं उन्हें कह देती हूँ। चलो। और अब मेरी बस दुआ है कि तुम जैसी बहू तो मुझे मिले जरूर। फातिमा बेटा, तुम मेरे उमेर की दुल्हन बनोगी। फातिमा, क्या हवा के घोड़े पे सवार रहती हो? कहाँ जा रही हो इतनी उजलत में? वो चची, तायाबू और तायामी ने बाबा को बुलाया तो उन्हें बुलाने जा रही थी। भाई भाभी ने शफीक भाई को बुलाया, खैरियत? पता नहीं, बात मुझे नहीं पता क्यों बुलाया। पता तो तुम्हें है, क्यों कहो के बताना नहीं जा रही। वैसे ये मासूम और भोली भाली तुम सिर्फ अपनी सूरत से ही दिखती हो, पूरी हो तुम अंदर से। अब ये प्लीज रोने धोने का ड्रामा ना करना, बहुत टाइम वेस्ट होता है। वैसे भी तुम बहुत जल्दी में थी ना। अच्छा, मुझे नहीं पता, इन्हें नहीं पता। शफीक को बुलवाया था, अभी तक आया क्यों नहीं? मैंने शाहिन से भी कहा है, आते ही होंगे। लीजिए, वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो। शफीक, तुम तो ये अच्छी तरह जानते हो कि घुमा फिराकर मैं बात नहीं करता, सीधी और साफ बात करता हूं। जी भाईजान, कहिए क्या कहना चाहते हैं? तुमसे तो ये सवाल करना ही बेकार है कि तुमने फातिमा बेटी के बारे में कुछ सोचा या नहीं सोचा। मैं जानता हूं तुमने कुछ नहीं सोचा होगा, लापरवाह से आदमी हो, मैं तुम्हारी आदत से वाकिफ हूं। अरे मंसूरी, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपने जो बात करने के लिए शफीक को बुलवाया है वो बात तो कीजिए। कह रहा हूं, वही बात कह रहा हूं। शफीक, तुम्हारी भाभी की ये ख्वाहिश है,
ये तुम्हारी फातिमा बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती। तुम्हारा जो भी जवाब होगा, हाँ या ना, मुझे मंजूर है। मैं एक जरूरी कॉल कर। शफीक, तुम तो अपने भाईजान की आदत को अच्छी तरह से जानते हो, बल्कि उनकी तल्ख बातों से भी वाकिफ हो। मगर ये सच है कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं फातिमा को उमेर की दुल्हन बनाऊं। उसने तो हमेशा मेरी बेटी की कमी पूरी की है। वैसे अगर तुम्हारे दिल में मंसूर को लेके कोई भी डर या खौफ हो तो तुम मुझे बताओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि उमेर फातिमा को बहुत खुश रखेगा। भाभी, मेरी बेटी के लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी कि वो आपकी बहू बने। मेरी भी सारी फिक्रें दूर हो जाएंगी, वो इसी घर में रहेगी मेरी आंखों के सामने। बस तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी तरफ से हाँ समझूं। वो बस मैं ये चाहता हूँ भाभी कि मैं इस बारे में बेटी से बात कर लूँ, उसकी राय जान लूँ। वैसे भी बेटियों का रिश्ता करते वक्त उनकी राय जानना उनका हक है, और ये हक उन्हें अल्लाह और रसूल ने दिया। ठीक है, मुझे भी इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है। वैसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि फातिमा इस रिश्ते से बहुत खुश है। देखो शफीक, अभी इस बात का जिक्र उमेर से नहीं करना। मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं ये बात खुद उसको सालगिरह के दिन बताऊं।